उसे जरूर नुकसान पहुंचाएंगे भाभी। और ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। मैं हमेशा उसके लिए इतनी मनहूस साबित हुई। अगर नुकसान पहुंचने से पहले इंसान को अपनी तकदीर का पता चल सकता तो शायद आज तक किसी को नुकसान पहुंचता ही नहीं। अभी उसे नहीं छोड़ेंगे। मुझे अपनी फिक्र नहीं होती, मुझे उसकी फिक्र। बस दुआ करो कि शाहजी के पहुंचने से पहले वो कहीं दूर चला जाए, उनके हाथ ना आए। माई, ये क्या किया है तूने? ये उम्मीद नहीं थी मुझे तुमसे हरगिज़। अम्मी जी, माही की कोई गलती नहीं है। वो तुम चुप रहो। आज माही की जो भी हालत है उसकी जिम्मेदार तुम भी हो। सोचो जरा, अगर जागीरदारनी जी को पता चल गया तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? मुझे ये भी ख्याल नहीं आया माही। आज तक मैं आप लोगों की इज्जत और गैरत की सोली तो चढ़ती आई हूं। आज भी मैंने फंदा बेले में डालने से इनकार नहीं किया। चढ़ाते मुझे भेंट। कब से जानती है उस लड़के को? आप क्या कर लेंगी जानकर? मैं वहां उसे सिर्फ ये बोलने के लिए गई थी वो यहां से चला जाए, क्योंकि इन इज्जत की चार दीवारों में और गैरत की ऊंची फतीलों वाली हवेली उसकी मोहब्बत को पहचानने वाला कोई भी नहीं है। यहाँ पर सबको सिर्फ अपनी पड़ी है, सबको अपनी इज्जत का ख्याल है। सब बस ये चाहते हैं कि उनकी सफेद चादर पर कोई दाग ना लग जाए। अपनी मर्जी से सिकंदर से शादी के लिए हाँ की थी तूने, कोई जबरदस्ती नहीं की थी हमने। आज जब शादी के दिन करीब है तो ये कह रही? आपसे कुछ नहीं कह रही अम्मी, मुझे आप लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि उसे कोई नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि आज वो जिस हाल में है वो सिर्फ मेरी वजह से है। अगर कोई कसूरवार है तो वो मैं हूँ। अगर किसी को सजा मिलनी चाहिए तो मुझे मिलनी चाहिए। उसे बख्श दीजिए। एक वादा जरूर करूंगी फरहाद, इस जान में हमारा मेल मुमकिन नहीं, लेकिन उस जान में मैं सिर्फ तुम्हारा साथ मांगूंगी अपने मालिक से।